खुशी वैष्णव ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, झोपड़ी में लगी आग, 6 माह की मासूम जली जिंदा। मुख्यमंत्री ने दी आबू रोड में उपखंड कार्यालय खोलने की स्वीकृति। सभापति मेवाड़ा को बर्खास्त की मांग को लेकर पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। नकारा हैंडपंपों को ठीक करवा कर पानी की समस्या का किया हल। अब गांव के हर घर में होगा जल के लिए नल कनेक्शन। पालिका उपाध्यक्ष ने करवाई मुख्य नाले की सफाई। अब समाचार विस्तार से। झोपड़ी में लगी आग, 6 माह की मासूम जली जिंदा। लई कामत की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड निकटवर्ती चनार गांव में झोपड़े में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से झोपड़े में सो रही 6 माह की मासूम बच्ची आग में जिंदा जल गई। वहीं झोपड़े में सो रहे 2 बच्चे आग की धधक देखकर वहां से भाग गए। घटना के वक्त उनके परिजन किसी कार्य से झोपड़े से बाहर थे। इस घटना को क्षेत्रीय विधायक जगसी राम कोली ने राज्य विधानसभा में उठाकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग रखी है। घटना के अनुसार निकटवर्ती चनार ग्राम पंचायत की भावना फली में अपने परिवार के साथ झोपड़ा बनाकर रहे मीठा राम पुत्र जोगाराम गरासिया की 6 माह की मासूम बच्ची झोपड़े में आग लगने से जिंदा जल गई। वही 2 बच्चे आग की लपटें देखकर झोपड़े से बाहर आ गए। बुधवार को शाम को घटित हुई इस घटना को क्षेत्रीय विधायक जगसी राम कोली ने विधानसभा में उठाकर मीठा राम और उसके परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने दी आबू रोड में उपखंड कार्यालय खोलने की स्वीकृति। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आम जन के द्वारा चलाए गए अभियान को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में की घोषणा करते हुए कहा कि आबू रोड में उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय खोला जाएगा। राजस्थान विधानसभा में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए 25 फरवरी को विधायक संयम लोढ़ा ने यह मामला उठाया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग को गंभीरता से लेते हुए आबू रोड शहरवासियों को राहत प्रदान की है। आबू रोड शहरवासियों व ग्रामीण क्षेत्र के वासियों की यह 2 दशक पुरानी मांग थी। सभापति मेवाड़ा के बर्खास्त की मांग को लेकर पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले भर के पत्रकारों ने आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल को, सिरोही नगर परिषद के सभापति महेंद्र मेवाड़ा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि पत्रकार गणपत सिंह मांडोली द्वारा अपनी स्वच्छ पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए कुछ रोज पूर्व सभापति महेंद्र मेवाड़ा के व्यवसायिक भवन में पुलिस कर्मियों द्वारा अवैध रूप से बैठकर शराब की पार्टी की जा रही थी, जिसका मांडोली द्वारा उसकी वीडियोग्राफी कर खबर प्रकाशित की गई थी, जिससे पुलिस के आला अधिकारियों सहित शराब व्यवसाय सभापति मेवाड़ा उनसे नाराज होकर झूठे आरोप लगवाकर बुधवार 17 मार्च को सिरोही कोतवाली में एक झूठा प्रकरण पत्रकार गणपत सिंह के विरुद्ध दर्ज करवा कर पत्रकार के कलम की सच्चाई को रोक कर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले भर के पत्रकारों की गरिमा को ठेस पहुंचाने एवं पत्रकार की कलम की ताकत को रोकने का आला अधिकारियों द्वारा प्रयास किया गया है, अतः सभी पत्रकारों ने तत्काल प्रभाव से सभापति मेवाड़ा के बर्खास्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नकारा हैंडपंपों को ठीक करवा कर पानी की समस्या का किया हल। लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार आबू रोड शहर में कई स्थानों पर हैंडपंप नकारा एवं खस्ता हाल में पड़े हैं। आगामी गर्मी को देखते हुए पार्षद सुरेखा मोदी ने गांधीनगर क्षेत्र में खराब पड़े 3 हैंडपंपों को ठीक करवाया। पार्षद सुरेखा मोदी ने बताया कि क्षेत्र में हैंडपंपों के खराब होने के कारण लोगों को पानी की परेशानी से सामना करना पड़ रहा था। वहीं गर्मी शुरू होने के कारण शहरवासियों के साथ साथ जानवरों को भी पीने के पानी की समस्या हो रही थी। पार्षद मोदी के कहने पर जलदाय विभाग द्वारा आज गांधीनगर क्षेत्र के 3 खराब पड़े हैंडपंपों को ठीक करवाया गया। अब गांव के हर घर में होगा जल के लिए नल कनेक्शन। किशन माली की रिपोर्ट के अनुसार नया सानवाड़ा गांव के ग्राम पंचायत परिसर में गुरुवार को जल जीवन मिशन क्रियान्वयन को लेकर आशियाना फाउंडेशन जयपुर की ओर से बैठक आयोजन किया गया।
जल जीवन मिशन से अब गांव में हर घर में जल का नल कनेक्शन होगा। इसमें गांव का प्रोजेक्ट नक्शा बनाया गया और एक कमेटी गठित की गई। सरपंच अलका रावल ने बताया कि इस मिशन से हर घर नल कनेक्शन होगा, पूरा प्लान बनाकर हर घर पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा, जूना सानवाड़ा संस्था प्रधान केशव त्रिवेदी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। पालिका उपाध्यक्ष ने करवाई मुख्य नाले की सफाई। लहिकामत की रिपोर्ट के अनुसार आबूरोड शहर के गांधीनगर क्षेत्र के लोग काफी दिनों से घरों के बाहर बनी नालियों की सफाई नहीं होने से, नालियों का गंदा पानी सड़कों व घरों के बाहर एकत्रित होने से परेशान वार्ड के लोगों ने कई बार समस्या से अवगत करवाया, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उन्होंने पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा को अपनी परेशानी बताई। अतः आज रवि शर्मा ने नगर पालिका सफाई निरीक्षक एवं जमादार के साथ वार्ड में पहुंचकर पूरे नाले की सफाई करवाई। साथ ही इस दौरान सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक अशोक मीना एवं कार्यवाहक जमादार अनिल कुमार तथा सफाई कर्मचारी हितेश, नरेश, हरीश, चरण तथा चालक दीपक मौजूद रहे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सिरोही जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।